सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज साउंड वेव। ध्यान से पूरी बात सुनेंगे। बहुत बेसिक सा एग्जांपल जिससे आप समझ पाएंगे साउंड वेव क्या होती है। जैसे स्कूल में बच्चे लाइन में लगे रहते हैं, प्रेयर होती है या कभी कोई फॉर्म आपको लेना है तो आप लाइन में लग जाते हैं, और पीछे वाला जो बच्चा है थोड़ा बदमाश टाइप का है, वो धक्का मारता है अपने आगे वाले बच्चे को, तो उसके आगे वाला बच्चा खुद को बैलेंस करने के लिए उससे आगे वाले बच्चे का सहारा लेता है। ठीक ऐसे ही उसके आगे वाला बच्चा जब डिसबैलेंस होता है तो उसके आगे वाले बच्चे का सहारा लेता है। इस तरह से पीछे वाले बच्चे के द्वारा प्रोड्यूस किया गया डिस्टर्बेंस सबसे आगे जो बच्चा लगा है उस तक पहुंच जाता है। इस पूरी प्रोसेस में जो बच्चे हैं लाइन में लगे हुए, वह अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं हुए, लेकिन फिर भी पीछे वाले बच्चे की द्वारा प्रोड्यूस किया गया डिस्टर्बेंस सबसे आगे वाले बच्चे तक पहुंच गया। ठीक ऐसे ही वेव मोशन में मीडियम के किसी एक पार्ट में जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है वह दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। डिस्टर्बेंस मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी, यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गई विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। सच प्रोसेस नोन एज वेव मोशन। तो लिखना स्टार्ट करेंगे अपन, हैडिंग डालेंगे वेव मोशन, लिखेंगे द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफरेशन, द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफरेशन इन विच द energy is transmitted from one point to other without transfer of matter known as wave motion। अब ये जो डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हो सकता है, लेकिन हर एक डिस्टर्बेंस को हम वेव मोशन के रूप में नहीं बोल सकते, उसकी कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस हैं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी जिनमें ये डिस्टर्बेंस हो सकता है दैट आर, वो हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एयर के अंदर अगर हम बात करें तो एयर की डेंसिटी में डिस्टर्बेंस जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए तो भी वेव मोशन हो जाएगा। एयर के प्रेशर में डिस्टर्बेंस तो हम लिखेंगे नोट करके नीचे, द डिस्टर्बेंस विच कैन ट्रांसफर from one point to other may be the disturbance of electric field, comma, magnetic field, प्रेशर, कॉमा, डेंसिटी, एक्सेट्रा। बहुत सारे टाइप का हो सकता है। अब आप जो एफएम सुनते हो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसमें फ्रीक्वेंसी का डिस्टर्बेंस होता है।
आप जो सुनते हो एएम, उसमें एम्पलीट्यूड का डिस्टरबेंस होता है। तो डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, तो वो वेव मोशन हो जाएगा। अब वेव मोशन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, तो अपन लिखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम द वेव्स आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टू कैटेगरीज। फर्स्ट नॉन मैकेनिकल वेव्स, पहला होगा नॉन मैकेनिकल वेव्स, सेकेंड मैकेनिकल वेव्स। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स वह वेव्स होती हैं जिनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, एक्सरेज, गामा रेज, और सूरज से हम तक जो लाइट आती है, विजुअल लाइट, दैट इज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीडियम होगा तो भी ये ट्रांसमिट हो जाएंगी, नहीं होगा तो भी ये ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो ऐसी वेव्स कहलाती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स को ट्रांसमिट होने के लिए मास यानी इनर्शिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो लिखना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हेडिंग नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसमें लिखेंगे द वेव्स विच नॉट रिक्वायर मीडियम, द वेव्स विच नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर ट्रांसफरेशन, फॉर देयर ट्रांसफरेशन आर नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स, आर नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। सच वेव्स कैन ट्रांसमिट एनर्जी, From one point to other, without inertia or mass, without inertia or mass. अब यह बात जानने वाली है, inertia और mass के बगैर mechanical energy तो transfer हो ही नहीं सकती, ठीक है? तो हम बोलेंगे कि ये जो वेव्स है वो मैकेनिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं कर सकती। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनना सभी लोग, फोटॉन्स जो होते हैं उनके अंदर मोमेंटम होता है, और जब वो किसी सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं तो प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर तभी डाल सकते हैं जब उनके पास मैकेनिकल एनर्जी हो। तो अगर आईआईटी जेई में क्वेश्चन आता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रांसफर द मोमेंटम, तो उस समय क्या करोगे? टिक करना है, क्योंकि साइमल्टेनियसली सिलेबस में आप इसका पार्टिकल नेचर भी पढ़ते हो। तो मैकेनिकल वेव्स वो, ये क्लासिफिकेशन अलग है, बिकॉज हम जो पढ़ रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं,
मॉडर्न फिजिक्स में हम ये मानते हैं कि जो फोटोन होता है उस पर उसमें मोमेंटम होता है, और जब वो किसी सरफेस से टकराएगा तो मैकेनिकल एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर सकता है, जब उसमें ही नहीं होगी तो वो ट्रांसफर क्या करेगा। इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि नॉन मैकेनिकल वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है। ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बाद में नोट करेंगे, पहले एग्जांपल लिखो इसका नॉन मैकेनिकल वेव का। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। नोट करके लिखेंगे, द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नोन एज फोटॉन। And such photon can have momentum. So, non-mechanical waves can also transmitted to mechanical energy। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मैकेनिकल वेव्स तो जैसा नॉन मैकेनिकल वेव्स के लिए था कि मीडियम नहीं चाहिए, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम का सहारा लेना पड़ता है। मीडियम के अंदर दो विशेषताएं होना जरूरी है जिनके थ्रू मैकेनिकल वेव ट्रांसमिट हो सकती है। फर्स्ट, मीडियम के अंदर इनर्शिया होना चाहिए, यानी मीडियम मैसिव पार्टिकल से मिलकर बना हो। दूसरा, अब मैसिव पार्टिकल होगा तभी तो एक पार्टिकल पे आप फोर्स लगा पाओगे, और वो जब दूसरे से टकराएगा तो अपनी एनर्जी से ट्रांसमिट कर पाएगा, और उनके बीच की जो कॉलिजन है वो जितनी ज्यादा इलास्टिक होगी उतना अच्छा, एनर्जी उतनी दूर तक ट्रांसमिट हो पाएगी। तो इनर्शिया यानी मास और दूसरा इलास्टिसिटी, ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज होना बहुत जरूरी है अगर मैकेनिकल वेव आपको ट्रांसमिट करना है। तो लिखना स्टार्ट करेंगे, द वेव्स विच मस्ट बी रिक्वायर्ड, द वेव्स विच मस्ट बी रिक्वायर्ड मीडियम for their propagation, are known as mechanical waves, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, फॉर ट्रांसफरेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स मीडियम मस्ट बी रिक्वायर इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी।
ये दो चीजें जरूरी है। जितना इलास्टिक मीडियम, अगर हमारी एयर परफेक्टली इलास्टिक होती तो हम एक बार बोलते और हमारी आवाज यहां से जहां जहां तक भी जिस डायरेक्शन में हम बोल रहे हैं प्रोपेगेट होती जाती। लेकिन क्या होता है, हम बोलते हैं कुछ दूरी पर जाकर आवाज की इंटेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो दैट इज मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की होंगी, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। लेकिन ये क्लासिफिकेशन हो गया, पहला हो गया मैकेनिकल, दूसरा नॉन मैकेनिकल। अब लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसमें लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ ऑसिलेशंस, मैकेनिकल वेव्स आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टू कैटेगरीज, इन फॉलोइंग टू कैटेगरीज। फर्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सेकेंड, ट्रांसवर्स वेव्स। पहला लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स, हेडिंग डालेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये डायग्राम साथ में बनाते जाएंगे। अब जरा ध्यान से समझेंगे, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। जब भी कोई मैकेनिकल वेव किसी मीडियम में प्रोपेगेट होती है तो हम ये बोलते हैं कि एक डिस्टरबेंस मीडियम प्रेशर का हो सकता है, मीडियम डेंसिटी का हो सकता है, वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर हो रहा है। जब वह ट्रांसफर होगा तो किस तरह से होगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा और वो तभी कर सकता है जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाए और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाकर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए। तो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। जब भी किसी मीडियम से वेव ट्रांसफर होगी
तो पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। अब वो ऑसिलेशंस किस तरह से कर सकते हैं, वो दो पॉसिबल वेज हैं। पॉसिबल वेज तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो बेसिक हम समझते हैं, क्योंकि हो सकता है तीन वेव्स का एक साथ सुपरपोजिशन हो रहा है, तो वो तो सर्कुलर पाथ पे भी घूम सकता है, इलेक्ट्रिकल पाथ पे भी घूम सकता है और डिफरेंट तरह से ऑसिलेशन कर सकता है। लेकिन यहां पर जो बेसिक जो फंडामेंटल जो उसके हैं, दो मोड्स हैं। पहला, अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल्स इस तरह से ऑसिलेट करें, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। अगर इस तरह से ऑसिलेट करेंगे तो कहीं कहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचा और ये वाला पार्टिकल यहां आ गया, बीच के सारे पार्टिकल्स, तो यहां कंप्रेशन बन जाएगा। और जहां से ये दूर गए, यहां से यहां गया और ये वाला यहां, तो यहां रेरिफैक्शन बन जाएगा। यानी पार्टिकल्स जो ऑसिलेट करते हैं वो पार्टिकल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन ऑसिलेट करते हैं। ऐसा करने से कहीं कहीं पर पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, जहां पर पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर मीडियम की डेंसिटी एवरेज डेंसिटी से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और उन स्थानों को हम बोलते हैं कंप्रेशन। दीज आर कंप्रेशंस। और कहीं कहीं पर पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, अगर कहीं इकट्ठे होंगे तो जहां से वो आए हैं वो जगह थोड़ी खाली हो जाएगी, तो वहां बन जाता है कम डेंसिटी वाला स्थान, नोन एज रेरिफैक्शन। तो कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के फॉर्म में ये जो वेव है वो आगे बढ़ती है। कंप्रेशंस पर हम ये बोलते हैं कि डेंसिटी मीडियम की और प्रेशर दोनों जो एवरेज वैल्यू है उससे थोड़ा सा ज्यादा, इतना ज्यादा भी नहीं हो जाता कि मालूम चला कि कोई गैस है वो लिक्विड बन गई या सॉलिड बन गई, ऐसा नहीं, थोड़ा ज्यादा। अगर एवरेज प्रेशर 1000 है तो प्लस होगा 2 अप्रोक्सीमेट, माइनस होगा 2, काफी कम चेंज होता है, लेकिन कंपैरेटिवली एवरेज वैल्यू से यहां पर प्रेशर ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, और रेरिफैक्शन पे प्रेशर कम, डेंसिटी कम होती है। इस टाइप की वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और इस टाइप की वेव्स जब किसी मीडियम में चलती हैं तो मीडियम की डेंसिटी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। इस टाइप की वेव्स के प्रोपेगेशन से मीडियम की डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर चेंज होता है। लिखना स्टार्ट करेंगे। When the particles of medium, when the particles of medium are oscillating along the direction of wave motion, then mechanical waves are known as longitudinal waves. Then mechanical waves are known as longitudinal waves. Such mechanical waves are transmitted, such mechanical waves are transmitted in form of compressions and rarefactions. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द कंप्रेशंस आर द रीजन्स
वेयर द डेंसिटी ऑफ मीडियम वेयर द डेंसिटी ऑफ मीडियम इज स्लाइटली हाई इज स्लाइटली हाई फ्रॉम एवरेज वैल्यू एज वेल एज प्रेशर एज वेल एज प्रेशर तो कंप्रेशंस पर डेंसिटी और प्रेशर स्लाइटली हाई होंगे एंड रेयरिफैक्शंस आर द रीजंस ऑफ मीडियम एट विच द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ मीडियम आर स्लाइटली लो देन एवरेज वैल्यू ड्यू टू प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स the density and pressure of medium are very from one point to other change hote hain ye dhyan se sunte jaiyega लॉन्गिट्यूडनल वेव के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम में फर्स्ट थिंग मास यानी इनर्शिया होना चाहिए दूसरा तो सारी मैकेनिकल वेव्स के लिए कंडीशन सेम है इनर्शिया होना चाहिए फर्स्ट और दूसरा इसके अंदर इलास्टिसिटी होना चाहिए अब इलास्टिसिटी भी बहुत प्रकार की होती है अपन ने पढ़ा हुआ है जैसे यंग्स मॉडुलस लेंथ के लिए डिफाइन होता है बल्क मॉडुलस वॉल्यूम के लिए तो यहां पर वॉल्यूम की इलास्टिसिटी होना जरूरी है यानी कि गैस के यानी कि किसी मीडियम से अगर प्रोपेगेशन हो रहा है वेव का तो उसके प्रोपेगेशन के टाइम पर यह प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो मीडियम का वॉल्यूम चेंज ना हो अगर कोई भी फोर्स लगता है उस पर किसी भी प्रकार का तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम वो अपने वॉल्यूम को फिर से रिगेन कर ले तो लिखेंगे फॉर प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मीडियम मस्ट बी रिक्वायर इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम inertia and elasticity of volume तो जितने भी liquids होते हैं 100% elastic तो कोई नहीं होता लेकिन कुछ part उनमें रहता है elastic रहता है तो इस type की waves liquids के through प्रोपेगेट हो सकती हैं और गैसियस मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट हो सकती हैं लेकिन इन मीडियम में इलास्टिसिटी ऑफ शेप नहीं होता आप जिस किसी कंटेनर में भर दोगे ये वैसा शेप इनका हो जाता है पानी को आप ग्लास में भर दोगे तो ग्लास जैसा शेप हो जाएगा उसका तो इलास्टिसिटी ऑफ शेप नहीं होता इसमें वॉल्यूम उनका वही रहता है तो लिखेंगे आगे सच टाइप ऑफ वेव्स Such type of waves can transmitted through gaseous and liquid medium.
बिकॉज सच मीडियम्स आर हैव इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम. एग्जाम्पल लिखेंगे, साउंड वेव थ्रो लिक्विड्स एंड गैसियस मीडियम आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स.